हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वेलकम और लग रहा है सुबह 6:30 बजे जूस के साथ, वही अपना जूस बेलगिरी का विद आइसक्रीम। बेलगिरी का जूस बनाया था जो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, भाई लेकर आया था। तो शाम ना आइसक्रीम है वो भी ले आया था, एक डब्बा और लेकर आया था आइसक्रीम का, वो तो रात ने खा लिया था। फिर ऐसा होया करा कि वीडियो बनाने का कोने, बस अब तो जल्दी से खोल दो आइसक्रीम, फिर वो पिघलन लाग जाए है। तो बस शाम ने कोई क्लिप क्लिप से वो कोने बनाई थी और बालक ने जूस जा से वो मैं प्या गया रेडी करके। इन अपने आप इनका गांव खंदा दूँ, यानी कि आज ये सर जा रहा सी अपने गांव। गांव जाना थी पहले, आज पहले जूस बना दी हूँ। मंदिर में ये होया था, पानी है वो डाला आया था और वह मैं खींचने लगी थी एक बार इस आइसक्रीम की फ़ोटो। फोटो क्यों खींच रही थी? क्योंकि इसके ऊपर लिख रखा था बाई वन गेट वन फ्री था। तो हमने सोचा कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया, हमारे पास तो कोई ऐसी ऑफर तो है इसके ऊपर लिख रखा है, लेकिन कोई अलग तो एक्स्ट्रा जो बॉक्स आइसक्रीम का वो तो हमने को नहीं मिला। फिर बाद में मैंने इसका पापा के पास भेजा, जो ये बॉक्स जो फोटो है वो भेज दी थी, और फिर उन्होंने भी उनके पास भेजा। तब बताया भाई इसके ऊपर प्राइस है वो 350 के आसपास है शायद, तो मैंने इसका आधा रेट लिया है। फिर वो ही आकर कि आधा रेट लिया है तो फिर एक पैकेट देना था, और किसी ने एक की ज़रूरत हो, किसी ने दो की ज़रूरत हो, दो की ज़रूरत हो तो फिर दोनों दे देवा, है नहीं तो फिर हाफ प्राइस में एक ही पैकेट दे दिया था। तो खैर, क्योंकि हमने बेरा बिना था कितना कि रुपया देकर हिंदू आइसक्रीम लेकर आए थे एक साथ, तो हमने सोचा भाई कुछ होगा ऐसा ही, लेकिन ऐसा कुछ को नहीं था, उसने पहले ही बता दिया था भाई। और फिर हुआ भी करे कि गांव में इतना ज़्यादा 10-5 रुपए वाली आइसक्रीम दिलाकर राजी उठाया करा बालकन, क्योंकि बालकन ने बहला दे है 10-10 5-5 रुपये वाली आइसक्रीम थे, और बड़ा जो बॉक्स है वो बहुत कम लिया करा, या कोई फंक्शन वगैरह हो तो ही लिया करा है। तो बस फिर वो भी कहने लगा था भाई कोई ले तो आज को नहीं, तो एक के लिए फ्री दे करके फ़ायदा इससे बढ़िया है कि हम उसका रेट है वो ही कम कर दें वहाँ। खैर बालक है वो आइसक्रीम खाने लग गया था, जूस मैंने साइड में रख भी दिया था, मैंने सोचा जूस में डाल के खा लेंगा। फिर बालक भी इन बोला कि बेरा कोने फिर किसाक लग गएगा, तो हम पहले आइसक्रीम खा लेंगे उसके बाद जूस पी लेंगे। तो बालक है भी आइसक्रीम खा कर और फिर जूस पीएंगा। मैं भी बोला एक बार तो सारा, मैंने सोचा एक बार बांट देहूँ सारी उसके बाद ही खाऊँगी। मम्मी है वो भी नावने लग रही थी और डोली सब तैयार होकर आई है। तैयार होकर आई से उसमें ज़रूरी था बेटा अपनी बुक जरूरी है वो डाल लो, बाकी जो सामान रह जाएगा उसका कोई वो कौन नहीं, लेकिन बुक जरूरी है। कपड़े तो एक आध बट रह भी गए तो बाद में पहुँचाए जाएंगे, अगर बुक रहेगी तो वो फिर कल नहीं पहुँचाई जाएंगी अपने बेराई से। फिर मैंने सोचा चल थोड़ी बहुत रहेगी से या एक बार रख दे, पहली बड़ा खा ले हुए हैं तो नहीं थकना थी। मैं मांगने लगी थी प्लेट प्लेट दे दी थी और खाने लग गए हम, बस एक कोई सब्र रह जाओ आइसक्रीम का, फिर वो इसे पिंगल जाएगी। तो हम सारा कैमरा का सामने बैठ के खाने लग रहे हैं और कैमरा का पीछे अनीता सविता दोनों से, मम्मी है वही बनाने लग रही हैं, बालक और भी रेडी होने लग रहे हैं, जीहान और मोंटी उन दोनों की रखी सब मम्मी की रखी हैं। और मखल ले लो बस जल्दी सी पिंगल जाएगी। तो यस है एक बार इसका फिर तब प्राइस देखना लग रहा है इसका कितना के प्राइस है। तो मखा बेटा अपनी ड्रेस है वो ख़राब कर लेगा, टपका है वो ड्रेस के ऊपर गिर जाएगा। बाय बाय डोली, बाय हाय, बाय बाय, जल्दी आए जाए जल्दी आए। अरे इसको बैग तो तू ले ले, बैग लेके साइकिल चला दे डोली मैडम, डोली ना देख। बाय बाय बालक जा लिए सारे स्कूल में, और उसके बाद मैंने कोई क्लिप को नहीं बनाई क्योंकि इतना मौका कौन लगे क्लिप बनाने का। कपड़े पैक करे थे वो मैंने दिखाई को नहीं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती तो कल दिखाऊंगी अपने केक के लेकर गई से केक के दिया से। तो सविता चाल पड़ी है ससुराल और क्यों जान लग रही दोपहर के मैं ही, क्योंकि बालकों की फिर वही से छुट्टी हो जाएगी, 2 बजे बालक घर ही पूछ लेंगा, फिर घर न पूछना के बाद बालक पहुँचे पाँच से पहुँचेगी तो फिर के फ़ायदा। तो बस वह स्कूटी पे बैग बुक से पैक लादन ला गया था, यानी कि रखना लगा था। और एक सामान जो मैं स्कूटी पे बैग रखने लग रही हूँ वो वाला है इनका घर का सामान, जो कपड़े वो कपड़े लेकर आया था वो, और दूसरा बैग सब वो
से अपना जो नए कपड़े वो डाल रखे वो से। साथ में हमने रेनकोट भी दे दिया था क्योंकि इस टाइम पे मौसम हो रहा था बारिश का सा, और नू था कि कभी बारिश ना आ जाओ तो रेनकोट ले जाओ, अगर बारिश आ भी गई तो अपना बैग बूग है वो पैक कर दियो, क्योंकि बैग में फिर वही से कि कपड़े इतने महंगे महंगे हैं उसे एक दूसरा के ऊपर कलर छोड़ देगा तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो बस वो भी दया कर दी सा, और मम्मी कह रही थी पानी पी ली, पानी इसने पी लिया था तो पानी पुणी पी लिया, बाय बाय कर दो आप भी, हमने भी कर दी थी बाय बाय। और बाय बाय करना के बाद ही बम दोनों सासू बहू रह गए मैं और मम्मी बस। तो यू के करा बालक हैं वे भी स्कूल में जा रहे हैं, हिंडाई 3 बजे आवेंगे तो फिर उनका वेट करना चाहिए। और वो एक रस्म होया करे बेटी जब भी ससुराल जावे तो जो घर के पोठे हैं वो सिलाए जाए, यानी कि जो दरवाजा है उस पर पानी का छिटके है वो लगाए